बांदा मंडल कारागार से कैदी गायब। उत्तर प्रदेश की जेलें अब सुरक्षित नहीं रह गईं। कभी जेलों में गैंगवार तो कभी कैदियों का कारागार से भाग जाना आम बात होता जा रहा है। बांदा मंडल मुख्यालय के मंडल कारागार से एक कैदी आज अचानक से गायब हो गया। यह तब हुआ जब बांदा में कुख्यात माफिया डॉन मुख्तार अंसारी बंद है। माफिया के बंद होने के चलते मंडल कारागार में CCTV कैमरे और हाई सिक्योरिटी तैनात की गई है। आपको बता दें कि उस समय जेल प्रशासन में हड़कंप मच गया जब विजय आरक नाम का एक कैदी अचानक से जेल से लापता हो गया। साथ ही कैदियों ने बताया कि उबैरंग लौट कर ही नहीं आया। आनन फानन में 3 घंटे तक प्रशासन ने पूरी जेल की सर्चिंग की, लेकिन कैदी का कहीं पता नहीं चला है। घटना के चलते जहां मंडल कारागार प्रबंधन और सुरक्षा को लेकर बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं, तो वहीं सिटी मजिस्ट्रेट का कहना है कि विजय आरक नाम का एक कैदी जो कि गिरवा थाना क्षेत्र का है, वह शाम से मिसिंग पाया गया, जिसके चलते तलाश की जा रही है। पूरे मंडल कारागार परासर की मंडल कारागार परिसर की तलाशी ली गई, लेकिन अभी तक वह कहीं नहीं मिला। सिटी मजिस्ट्रेट का यह भी कहना है कि उसने कहीं अपने को आपको शायद कारागार में ही छिपा लिया है। सवाल यह उठता है कि क्या सैकड़ों सुरक्षा कर्मियों की मौजूदगी में उसके बाद भी 3 घंटे तक अगर वह कैदी जेल में छुपा हुआ है तो अभी तक मिला क्यों नहीं? आखिर आधा सैकड़ा से अधिक CCTV कैमरे से लैस इस मंडल कारागार में कैदी भागा तो भागा कैसे? इतने सुरक्षा कर्मियों की तैनाती के बाद भी जिस तरह से सुरक्षा की पोल खुल रही है, वह निश्चित तौर पर चिंता का विषय है, क्योंकि बांदा मंडल कारागार में बुंदेलखंड के कुख्यात दस्यु सफेद समेत माफिया डॉन मुख्तार अंसारी जैसे कुख्यात अपराधी बंद है। अब ये बड़ा सवाल है कि आखिर इतने बड़े जेल से और इतने हाई सिक्योरिटी के बीच कोई कैदी कैसे भाग सकता है? बांदा मंडल कारागार से जहां कैदी गायब हो गया, यह एक प्रश्न चिन्ह खड़ा हो गया है। बांदा से गुल मोहम्मद की रिपोर्ट। नमस्कार दोस्तों, टीवी इंडिया 18 में आपका स्वागत है। हम खड़े हैं बांदा की मंडल कारागार में, जहां पर जेल व्यवस्था की बात की जाए, सुरक्षा व्यवस्था की, तो बांदा प्रशासन और जेल प्रशासन की ओर से लगातार अपडेट आ रही थी कल रात के 1:45 से कि यहां से कैदी शाम के वही करीब 7 बजे इस जेल से कैदी फरार हो गया है, लापता बताया जा रहा है, और CCTV कैमरों से लेंस जेल से हुआ कैदी फरार कैसे हुआ, ये एक सवालिया निशान खड़े करता है। इसी जेल में एक माफिया मुख्तार अंसारी जो कि यहाँ पर बंद है, अगर सुरक्षा व्यवस्था की यहाँ पे बात की जाए तो इसी जेल में 3 गेट हैं। फर्स्ट गेट ये जो आप देख रहे हैं कैमरे के माध्यम से, सेकंड गेट आगे है और थर्ड गेट इसके अंदर है, और ये मंडल कारागार वही मंडल कारागार है जो इस मंडल कारागार में भी कुछ दिन पहले माफिया डॉन मुख्तार अंसारी को रखा गया था। और इस मुख्तार अंसारी को लेकर ये बात बार बार जताई जा रही थी कि जेल को CCTV कैमरों से लेंस कर दिया गया है और इसकी मॉनिटरिंग लखनऊ से जारी है कि कैमरों से लेंस होने के बाद कैसे हुआ फरार कैदी, ये एक बहुत बड़ा सवाल या निशान बनता है जेल प्रशासन की ओर से। अभी यहाँ पर मंडल कारागार का निरीक्षण करने प्रयागराज जोन के DIG आए हैं संजीव दीक्षित, अभी यहां पर मुआयना करेंगे, इसके बाद आगे की जानकारी आपको देते रहेंगे। टीवी इंडिया 18 से मैं गुल मोहम्मद, कैमरामैन पूरन के साथ। थोड़ा सा ज़्यादा ऐसी संभावना प्रतीत हो रही है कि संभवतः वो स्कैप कर गया है, यहां से भाग गया है, जिसके संदर्भ में जेल जेल अधीक्षक द्वारा तहरीर दी गई है, उस पर अभियोग पंजीकृत करने की कार्रवाई की जा रही है। इस संदर्भ में उसके गृह थाने चौकी अन्य जगहों पर भी पुलिस की टीम रवाना है, उसकी तलाश जारी है। कहे का आरोपी था सर, ये कितने दिनों से बंद था? ये 6 फरवरी 2021 से गिरवा थाने से चोरी के आरोप में आया था और तब से ये जेल में बंद था। इसको जैसा कि जेल के अधिकारी द्वारा बताया जा रहा है, ये जेल के बाहर सामान आती है काम करने के लिए, खेतों में बगीचे वगैरह में कैदियों से जो काम दिया जाता है तो वो कमान कहते हैं उसको, कमान के रूप में रविवार को आता रहा है बाहर, संभवतः नीचे रखवा के दिन इसी उसमें जो है अपनी भागने की तैयारी। सर कितनी टीमें लगाएंगे यहाँ तक इसकी गिरफ्तारी के लिए? अब इसकी गिरफ्तारी के लिए गिरवा से भी 2 टीम लगाई गई है, शहर कोतवाली से भी 3 टीमें बनाई गई हैं, और रात भर जो है वो बस स्टेशन, रेलवे स्टेशन और भी संभावित स्थानों के और आसपास के मोहल्लों में आउटर दीवार के
जेल टिकट चोट लगा करके चेकिंग कराई है, लेकिन अभी तक सफलता नहीं मिली। सर, जेल में चित्रकूट जेल में घटना के बाद और बांदा में मुख्तार अंसारी है जेल में, तो किसकी लापरवाही मानते इतनी बड़ी घटना हो गई? अब ये देखिए जेल के अंदर का मामला है, इसके बारे में आपको जेल अधीक्षक ही बता सकते हैं। सर, जेल अधीक्षक कुछ बोलने को तैयार नहीं है, कभी सामने आते ही नहीं है सर। अगर ये बाहर से घटना होती तो उसके बारे में मैं आपको कुछ बताने की स्थिति में होता। जी सर, ये जेल के प्रमाइसेज के अंदर का मामला चुकी है जी, तो इसके बारे में वही टिप्पणी कर। सर, चप्पे चप्पे में 3 CCTV कैमरे लगे हुए हैं, उसका क्या? अब इसके बारे में भी